नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ नई लेटेस्ट अपडेट्स की। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है और हमें पता लगता रहेगा कि हमारी वीडियोज़ लगातार आप तक पहुँच पा रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। तो दोस्तों, चलिए पहली न्यूज़ है दोस्तों NEM। आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी को जो एक्सचेंज है, जापान का काफ़ी फेमस एक्सचेंज है कॉइनचेक, वो हैकर्स ने हैक कर लिया था और काफ़ी बड़ी संख्या में, लगभग 534 मिलियन डॉलर, लगभग 534 मिलियन डॉलर की वर्थ के जो XEM जो नेम कॉइन है वो उन्होंने हैक कर लिए थे। तो दोस्तों, उसका पता लगा लिया गया है, उसे ट्रेस कर लिया गया है और वो किस वॉलेट में गए हैं, और एक सिंगल वॉलेट में वो गए हैं और उसका भी पता लगा लिया गया है। और दूसरी न्यूज़ है दोस्तों कॉइन चेक से रिलेटेड ही है, जो रिफ़ंड करेगा कॉइन चेक जो लोगों का उसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज यानी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त एक्सचेंजेस है, तो लोगों का विश्वास था उस पर, तो इसी वजह से कॉइन चेक जो लोगों का नुकसान हुआ है वो अपनी तरफ से उन लोगों को उस नुकसान की भरपाई करेगा। दोस्तों, अगली न्यूज़ है ओल्डेस्ट चाइनीज़ बिटकॉइन एक्सचेंज BTCC एक्वायर्ड बाई हांगकॉन्ग इन्वेस्टमेंट फंड। तो जो चाइना बिटकॉइन एक्सचेंज है BTC जो चाइना है, वो हांगकॉन्ग बेस अभी एक्सचेंज हो गया है, क्योंकि उसे वहाँ से फ़ंड प्राप्त हो गया है और लगभग ये अभी हांगकॉन्ग से ही रनिंग में स्टार्ट होगा। और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं इस न्यूज़ को जानकर खुश होंगे जब से उन्होंने ये न्यूज़ देखी होगी, क्योंकि BTC चाइना काफ़ी पॉपुलर एक्सचेंज है चाइना के अंदर और लोगों का इसके ऊपर काफ़ी विश्वास था। जो माइनिंग पूल, मोबी वॉलेट सॉफ्टवेयर एंड इट्स ऑनिंग क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंजेस है, तो जो भी ये डिटेल्स हैं वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये BTC चाइना से रिलेटेड है। ये अभी जो एक्सचेंज है वो अभी हांगकॉन्ग बेस्ड एक्सचेंज बन गया है। दोस्तों, अगली न्यूज़ है ICO को लेकर। काफ़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे कि डेली नए नए ICOs लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च होने के साथ साथ वो स्कैम भी हो रहे हैं और स्कैम के साथ वो काफ़ी संख्या में हैकर्स के टारगेट पर भी हैं। तो दोस्तों, आपको सावधान रहना है अगर आप किसी ICO में पार्ट लेते हैं, और आपको ये देखना है कि उसकी टीम किस तरह से है, वो किस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव है या नहीं है, आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ICO को किसी ने भी आपको बता दिया और तुरंत आपने उस ICO में पार्टिसिपेट कर लिया। काफ़ी संख्या में कॉइन इस जनवरी 2018 के अंदर भी जो ICO हैं वो स्कैम हो चुके हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सोच समझकर आपको ये फैसला लेना है। जो इथेरियम बेस जो ICOs हैं जो वो हैकर्स के अभी टारगेट पर हैं, और आपको इसी तरह से उनसे बच के रहना है। तो दोस्तों, अगली न्यूज़ है इलेक्ट्रोनियम कॉइन को लेकर। आप कॉइन मार्केट कैप पर जाकर इलेक्ट्रोनियम कॉइन को चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका 887 के आसपास रेट है, और उनका ये अपडेट आया था 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रोनियम कॉइन है वो एक पोंजी स्कीम नहीं है। ये बिल्कुल उन्होंने कन्फर्म कर दिया है, और शायद जो इस इलेक्ट्रोनियम कॉइन को जिन लोगों ने परचेज़ किया है वो सभी जानते होंगे। लेकिन इलेक्ट्रोनियम कॉइन की जो मैनेजिंग टीम है, उन्हें पता लगा है कि कुछ लोग इसके विषय में नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि एक पोंजी यानी कि एक पोंजी कॉइन है। कुल मिलाकर आपको पता ही होगा कि जो नया ICO लॉन्च होता है, उस ICO के अंदर जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के अंदर ये रखा जाता है कि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट लेंगे तो आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा टोकन, एक्स्ट्रा कॉइन मिलेंगे। ये सभी ICOs में होता है, ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रोनियम में ही हुआ है। तो इसी को लेकर कुछ लोगों में नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी कि इलेक्ट्रोनियम किसी बड़े एक्सचेंजेस पर हिट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये काफ़ी आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोनियम कॉइन एक जेन्युइन कॉइन है, और काफ़ी संख्या में इसकी अडॉप्शन बढ़ती जा रही है। एक सिंगल एक्सचेंज पर होने के बावजूद यानी क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पर होने के बावजूद इसकी जो रैंक है, क्योंकि क्रिप्टोपिया कोई एक अच्छा जाना माना एक्सचेंज नहीं है, ये न्यूजीलैंड का एक्सचेंज है, लेकिन सभी लोग इस पर विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन इस अकेले एक्सचेंज पर होने के बावजूद जो इसकी मार्केट रैंक है वो अभी 50 के आसपास बनी हुई है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है, और ये आपको 1 से 2 महीने के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे और बड़े एक्सचेंजेस पर हिट करता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी जो शायद आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड।